हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएमए प्रदीप कुमार और आज मैं बात करूंगा फेरर स्क्रैप निगम लिमिटेड में आई वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पे टोटल दो तरीके की पोस्ट आई है, जहाँ पे एक जूनियर मैनेजर और एक मैनेजर की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर वैकेंसीज़ भी हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो ये टोटल वैकेंसीज़ हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं फेरर स्क्रैप निगम लिमिटेड में। तो ये पूरी डिटेल जानकारी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल जो बना हुआ है, पोस्ट, स्केल, एक्सपीरियंस, क्राइटेरिया, एज, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है फाइनेंस अकाउंट्स की जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। यहाँ पे अगर पे स्केल की बात करें तो 40,000 to 1,40,000 है। यहाँ पे 3% एनुअल इंक्रीमेंट होती है जो बेसिक पे पर कैलकुलेट की जाती है। जो एनुअल सीटीसी बताई गई है 9.64 लाख अप्रोक्सीमेटली पर एनम है। देन यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर्स एंड अबव है, आउट ऑफ विच मस्ट हैव वर्कड एटलीस्ट 1 ईयर इन द इमीडिएट लोअर ग्रेड। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि अगर आप PSU में जॉब कर रहे हैं तो आप इससे नीचे लेवल पे वर्क किए हों, ये E1 कैटेगरी की जॉब है, तो आप E0 पे अगर किए हैं तो वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में है तो उसके लिए क्या CTC एनुअल होनी चाहिए उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। देन यहाँ पर एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स बताया गया है। और जो वैकेंसी है यहाँ पर टोटल बताया गया है कौन सी वैकेंसी किस तरीके से बाइफरकेटेड है। देन यहाँ पर अगर बात करें आपकी एज की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन अप्लीकेबल होंगे जो भी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से अवेलेबल हैं। यहाँ पे सेकंड पोस्ट की बात करें तो मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, जहाँ पे बेसिक पे आपका देख सकते हैं 70,000 to 2 लाख है। और यहाँ पे एनुअल CTC आपकी जो बनती है वो 16.87 लाख अप्रॉक्सीमेटली पर एनम है। देन यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपकी जो 8 ईयर्स हैं, एंड आप अगर PSU में जॉब कर रहे हैं तो आपका इसके नीचे लेवल, यानी ये E3 कैटेगरी है, E4 कैटेगरी की जॉब है, तो E3 पे आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एज की बात करें तो 42 ईयर्स एज मांगा गया है। और जो वैकेंसीज है 1 है आपका अनरिजर्व के लिए, सो यहाँ पे टोटल वैकेंसी भी 1 है और जूनियर मैनेजर के लिए 3 है। तो ये पूरी डिटेल जानकारी थी आपकी सैलरी, नंबर ऑफ पोस्ट, वर्क एक्सपीरियंस एंड एज की। नेक्स्ट आइए हम बात कर लेते हैं कि इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें फाइनेंस अकाउंट्स जूनियर मैनेजर के लिए, तो यहाँ पे CA, ICMA, MBA फाइनेंस, ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया वो भी मीट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर डिस्टेंस से भी किए हैं तो आपका यहाँ पे मान्य होगा MBA फाइनेंस। देन यहाँ पे शुड हैव एक्सपोजर इन फाइनेंस अकाउंट्स, यानी आपने इन सब चीज़ों में काम किया हो, लॉ, टैक्स, वेजेस, सैलरी, GST, ऑडिट, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो वहाँ पे आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। और मैनेजर फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे एसोसिएट मेंबर, यानी यहाँ पे आप अगर सिंपल CA एंड CMA क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास मेंबरशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का होना जरूरी है। देन यहाँ पे भी आपका सेम MBA फाइनेंस के लिए है कि आप डिस्टेंस हैं या फिर आपने रेगुलर किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क प्रोफाइल में सेम मेंशन है जो ऊपर है, तो इन सब का एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आपके पास इन सब का एक्सपीरियंस है। तो अगर बात करें जनरल टर्म्स कंडीशन की, तो यहाँ बेसिक पे के अलावा आपको DA, पर्क्स जो 35% ऑफ बेसिक है, HRA, लीव इन कैशमेंट, रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, सेल्फ एंड फैमिलीज, PF, ग्रेचुटी, सारी चीज़ें मिलेंगी जो नॉर्मल कंपनीज में मिलती है। सेकेंड पॉइंट में मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड विल बी 60% इन डिग्री डिप्लोमा। अगर आपने MBA या कोई डिग्री जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर आपका 60% आपका होना अनिवार्य है, एक्सेप्ट CA एंड CMA। तो CA, CMA के लिए इस परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल क्वालिफाइड हैं तो भी चलेगा। देन यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या ओपन डिस्टेंस जो यूनिवर्सिटी है उनसे अप्रूव होना चाहिए। पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 6 में, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन द जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट
ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट इनोमलेंट। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका सैलरी स्लिप या जो भी आपके पास बैंक अकाउंट में डिटेल्स आ रही है, अगर सैलरी स्लिप नहीं मिले तो आपको वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं, जो भी 10th 12th क्वालिफिकेशन है आपके पास, CA CMA MBA एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे आपको अप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। जो अप्लीकेशन मोड है वो आपका ऑफलाइन है। देन यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट डेट है आपका एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन या फिर एज की, तो वो आपका लास्ट डेट ऑफ द अप्लीकेशन, तो इस एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट जो है वहाँ पे आपका डेट ऑफ कट ऑफ होगा एक्सपीरियंस का। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है FSNL यूनिट ऑफिस प्रोजेक्ट, जहाँ भी इनके होंगे वहाँ पे आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जाएगी। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग है PSU या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो अपना अप्लीकेशन के साथ NOC भेज सकते हैं, या फिर जब इंटरव्यू होगा उस टाइम पे ये अपना NOC प्रेजेंट करना होगा उनको। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल ओनली बी कॉल्ड फॉर, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे केवल उन्हें ही रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू, दो में से जो भी होगा उन्हें बाय मेल या बाय वेबसाइट बता दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे कि रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू होगा, केवल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जो प्राइवेट सेक्टर में है उनकी एनुअल CTC कितनी होनी चाहिए, तो आप अगर जूनियर मैनेजर E1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम जो CTC है 7.23 होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। देन आपका मैनेजर E4 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एनुअल CTC 14.46 लाख पर एनम होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। तो ये जानकारी थी जो प्राइवेट सेक्टर में है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में उनका इमीडिएट लोअर 0E होना चाहिए और लोअर E3, जैसा पहले ही मैंने बता दिया। देन यहाँ पे आपको इंटरव्यू अटेंड करने का टू एंड फ्रॉम का शॉर्टेस्ट रूट का जो 3rd क्लास AC का रिएम्बर्समेंट मिल जाएगा, यानी आपके इंटरव्यू जाने और आने का खर्चा आपको दे दिया जाएगा। आपको सिंपल प्रूफ जो भी आप टिकट बुक करेंगे वो आपको वहाँ सबमिट करना होगा। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि पहले ही मैंने बोला कि आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे फॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया है, बस पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि A4 साइज़ पे आपको क्या क्या टाइप करने हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका यहाँ पे राइट साइड में। देन आप नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द अप्लीकेंट्स, आपका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फादर नेम। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड एज, आपकी एज कितनी है 30 जून 2019 को। कैटेगरी आपकी कौन सी है वो मेंशन करेंगे, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट और आपका पोस्टल एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस अलॉन्ग विथ कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, ईमेल IDs जो भी है आप इसके थ्रू देंगे। देन आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए फॉर्मेट दिया गया, आपको इस फॉर्मेट में ही मेंशन करना है आपका फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट में आपको देना है। एक एक करके आप प्रेजेंट से शुरू करेंगे और उसका ब्रेकअप आप देते रहेंगे, और उसकी सैलरी टोटल यहाँ पे मेंशन करेंगे, मंथली या फिर एनुअल आपका क्या CTC है उसका ब्रेकअप। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट में है, पब्लिक सेक्टर, वो भी आपको मेंशन करना है 10th पॉइंट में। सिग्नेचर, एप्लीकेशन डेट, ये आपको एक फॉर्मेट में पूरे देने हैं। देन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 का आपको DD बनाना है। जो DD आपकी बनेगी फेरर स्क्रैप निगम लिमिटेड पेबल एट भिलाई के नाम से बनेगी, और जो DD है उसमें एग्जम्प्टेड कैटेगरी है SC ST PH कैंडिडेट, इनको DD बनाने की ज़रूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है आपको अप्लीकेशन के साथ। देन आपको जो पोस्ट करना है अप्लीकेशन आपको थ्रू पोस्ट ओनली, यानी आपको स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट जो भी है आपको पोस्ट के थ्रू ही करना है, और जो पोस्ट करना है उसका एड्रेस यहाँ बताया गया है आपको, इस एड्रेस पे आप अपना अप्लीकेशन स्पीड पोस्ट कर देंगे। आपको थ्रू कुरियर और ईमेल से नहीं मेंशन करना है, अदरवाइज आपका नहीं एंटरटेन किया जाएगा अप्लीकेशन। पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको मैंने बताया है इस फेरर स्क्रैप निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर आप यहां अप्लाई करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिवाइज पे स्केल है, कंपनी की पोजीशन अच्छी है, इस कंपनी में आप अप्लाई करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें।